डीएल डीएल आर आर डीएल डीएल आर आर गाना भी बना देंगे, है डीएल डीएल आर आर डीएल क्रॉस आर, अरे डीएल डीएल आर आर डीएल क्रॉस आर देगा देगा मैग्नेटिक फील्ड। लिखो बीवीआई बायट सेवाट लॉ, पांच नंबर का एप्लीकेशन इससे पूछता ही है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पहला लेक्चर का थोड़ा सा हेल्प मिलेगा हम लोग को। बायट सेवाट लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बायट सेवाट लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये टेढ़ा मेरा जो भी वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और इससे करंट पास हो रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूरी पे कोई पॉइंट पी है जहां पे कोई चार्ज को हम रेस्ट में रखें, तो हम क्या देखें, कोई फोर्स लगा ही नहीं। हम भी देख रहे हैं, और एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, याद करो लेक्चर डे वन में यही चीज पर आए थे, मैग्नेटिज्म का जो डे वन था यही चीज पर आए थे, वो वाकई में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। क्या था वो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या किया, एक करंट वायर से करंट पास हुआ, ओरेस्टेड साहब क्या किए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा वायर जिससे करंट फ्लो हो रहा है, एक ऐसा कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रहा है, और इसके नियर किसी पॉइंट पी पे चार्ज को रेस्ट में रखे, तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। ये ऑब्जर्व किए कि जब इस करंट कैरिंग वायर से करंट पास हो रहा है तो पी पॉइंट पे जो चार्ज रेस्ट में उस पर फोर्स लगा ही नहीं, इसका मतलब है कि जाति नहीं मिल रहा है, ये करंट कैरिंग वायर के द्वारा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी रेस्ट वाले चार्ज पे तभी फोर्स लगता है जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, ये करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पी पॉइंट पे। अगर ये करंट कैरिंग वायर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता तो फोर्स जरूर लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे उस पे फोर्स लगता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के द्वारा इस रेस्ट वाले चार्ज पे जो पॉइंट पी पे रखा हुआ है कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है पॉइंट पी पे, क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है, और हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज का फ्लो जरूर हो रहा है, करंट का फ्लो जरूर हो रहा है, लेकिन नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वॉल्यूम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण ये कंडक्टर टोटली न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने के कारण जो पॉइंट पी पे चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर डजंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता तो ये वाले चार्ज पे फोर्स जरूर लगता, तो फोर्स तो लगा नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक किसी पॉइंट पे हम चार्ज को रेस्ट में रखेंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भैया, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि कंडक्टर या वायर के वॉल्यूम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। लेकिन अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा रफ्तार दे दिए, थोड़ा सा मोशन दे दिए, है ना, मान लो गलती से
और स्टेट साहब हमार मान लो मौसा जी इसको मोशन में ला दिए, अब क्या हुआ ये इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट नीचे फ्लो हो रहा होगा और चार्ज को हम रफ्तार देंगे ऊपर तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। और आपको बता ही दिए फोर्स किधर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज को मूव करवाते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है इसका डायरेक्शन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लियर, मतलब सिंपल समझ लो, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, अगर करंट नीचे आ रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अब सोच जैसे ही चार्ज को हम रफ्तार दिए वी वेलोसिटी से मूव करवाए तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, डेविएशन क्यों हुआ, इसका मतलब है कि जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा है। चार्ज मोशन में आया तो जरूर उस पर कोई फोर्स लग रहा है। ये कौन फोर्स है, ये कोई न्यू टाइप का फोर्स है जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, हो सकता है ओरेस्टेड साहब को भी इसके बारे में जानकारी नहीं हो कि भैया ये मोशन में कैसे आया, क्योंकि वो तो अचानक फेंक दिए वो चार्ज को, जैसे ही छोड़े मोशन में वो डिफ्लेक्ट करने लगा, वो डिफ्लेक्ट करने लगा, डेविएट होने लगा, इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लग रहा है। और ये न्यू टाइप्स का फोर्स कहलाया मैग्नेटिक फोर्स, और इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो पी पॉइंट पे फील्ड था वो था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बी वेक्टर से लिखते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर, अब इसे और एनालाइज किया गया, इसे और प्रकाशित किया गया, इसके बारे में सोचा गया। तो जब किसी मैग्नेट, मान लो कोई मैग्नेट हमारे हाथ में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मान लो मेरे हाथ में कोई बाह मैग्नेट है, मेरे हाथ में कोई बाह मैग्नेट है और इसके पास कोई चार्ज को हम रखे तो सेम वैसे ही फेनोमिनन किया जैसे यहां पे कर रहा है। मतलब इसका नाम देने के लिए हम मैग्नेट के पास ये घटना किए, मैग्नेट के पास कोई चार्ज को मोशन में लाए, तो मैग्नेट के पास जब चार्ज को मोशन में लाए तो सेम वैसा ही घटना किया जैसा घटना ये यहां पे कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसे और भी डिटेल से जानें तो अगर किसी मैग्नेट के पास हम चार्ज को भी वेलोसिटी से फेंके तो ऐसा ही घटना हो रहा था जैसा घटना यहां पे हो रहा था। इसका मतलब है मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी अगर इस मैग्नेट के पास इस चार्ज को हम मोशन में लाए तो उतना वैसा ही घटना छोड़ रहा था जितना घटना यहां पे कर रहा है। मतलब घटना सेम हो रहा था, यहां पे मैग्नेट था, यहां पे करंट कैरिंग वायर था, तो मैग्नेट के नजदीक जो घटना हो रहा था वही घटना यहां पे हो रहा था। या ऐसा सोचो, आप लोग मैग्नेटिक नीडल देखे ना, कंपास आपके घर में भी लगा रहता है कंपास, तो किसी मैग्नेट के पास वो कंपास को लाके देखो वो हिलेगा। तो कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लाए तो ऐसा ही हिला, करंट कैरिंग वायर के पास लाए तो ऐसा ही हिला सेम, तो घटना सेम, चीजें सेम। मान लो एक मैग्नेटिक कंपास मेरे पास है, मैग्नेट के पास लाए तो ऐसे ही हिला, यहां लाए तो ऐसे ही हिला। अरे भैया हिलने की प्रक्रिया सेम है, यहां भी हिला, यहां भी हिला, इसका मतलब है यहां किसके कारण हिला, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, तो यहां भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्लियर, तो ओरेस्टेड ने बताया कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी घटना को तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1896 ईस्वी में दिया। 1896, सोच लो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म से बहुत दिन पहले, तो आप लोग के जन्म से भी बहुत पहले। क्लियर, तो ओरेस्टेड ने यह घटना दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अंतर क्या है, मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यह परमानेंट होता है, मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यह परमानेंट होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है।
लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करंट का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया गया। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो चारों तरफ मैग्नेट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्लियर? इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भाग में बांटा गया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कंपोनेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। क्लियर? ये सारा घटना समझ में आया? तो ऑरेस्टेड ने यह तो बता दिया कि करंट कैरिंग वायर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या, ये नहीं बता पाए। ये तो बता पाए कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट इट। तो सोच, ये कोई भी चीज को दिए और ये पूरा नहीं दे पाए तो कोई ना कोई साइंटिस्ट आएगा। तब जाके बायट सिवार्ट्स लॉ आए और इन्होंने बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बाबू, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर के नजदीक चार्ज को रेस्ट में रखे तो कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम रफ्तार दिए, मोशन में लाए, तो यह डेविएट होने लगा। इसका मतलब है कि चार्ज जैसे ही मोशन में आया ये डेविएट होने लगा। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर के द्वारा उस पर कोई फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर कोई तो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस न्यू फील्ड का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए नाम दिया गया कि बहुत सारे फेनोमिनन करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगाया गया कि मैग्नेट के पास जो घटना हो रहा है वही घटना करंट कैरिंग वायर के पास भी हो रहा है, इसलिए नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग यहां से दो काम करने वाले हैं। पहला कि भैया, अगर इस पे जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, इसमें पहला निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। पहला ये काम है कि करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है चारों तरफ, वो क्या है, वो कितना होगा। इसको हम दो दो लॉ से निकालेंगे। दोनों लॉ ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पहला बायट सिवार्ट्स लॉ है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। मतलब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे दो दो लॉ से। पहला बायट सिवार्ट्स लॉ से जो भी पढ़ेंगे, और दूसरा एम्पियर सर्कुलर लॉ से। और दूसरा पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज में क्या फोर्स लगेगा, या करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो क्या फोर्स लगेगा। मतलब दो काम करना है, फोर्स और फील्ड निकालना। तो फोर्स के बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज डिविएट होता है तो इस पर कितना फोर्स लगता है। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में एफ बराबर क्यू वी क्रॉस वी। क्लियर? पक्का? पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम आपके आपके लिए फोर्स का चर्चा। मतलब जब भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंट से दो ही चीज हुआ, फोर्स कितना लगा, फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ। तो फोर्स के बारे में तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब फील्ड के बारे में जानेंगे कि फील्ड कैसे कैसे निकालेंगे, फिर इसका अप्लीकेशन जानेंगे। और बाबू, एक बात ध्यान रखना, इस पूरे मैग्नेटिज्म में चाहे तुम फोर्स निकालो, चार्ज पे फोर्स निकालो, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकालो, या बायट सिवार्ट्स लॉ से फील्ड निकालो, या एम्पियर सर्कुलर लॉ से फील्ड निकालो, या टॉर्क निकालो, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो, जो भी टॉपिक खत्म हो गया, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, सब में क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है।
तो आप सभी बच्चों से विनती है, जो लाइव देख रहे हैं वो भी, जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो पहले देख लो। शुरुआती लेक्चर में, डे वन में, लेक्चर वन में हम क्रॉस प्रोडक्ट पे बहुत चर्चा किए हैं। प्लीज जो बच्चे शुरू से लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट बहुत यूज होगा। कोई भी चीज़ पर आगे पढ़ाएंगे कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, वहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट ही लगेगा। तो प्लीज़ क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो आप देख लीजिए, डे वन में होगा, लेक्चर वन में होगा, कि कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से, काफ़ी आपको मदद करेगा। क्लियर? डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स का और भी हम नाम दे दिए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ाएं आपको, राइट हैंड पाम रूल भी पढ़ाए हैं, राइट हैंड रूल भी पढ़ाए हैं, सब पीछे देख लीजिए। यानी पीछे वाला लेक्चर क्लियर होगा तभी आगे मजा आएगा। इसलिए जो लोग नहीं देखे हैं कंप्लीट कर लीजिएगा, आज का आज या कल शाम तक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब लाइव होंगे तो ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि सर मेरा पीछे वाला छुटा हुआ है, हम कंप्लीट करना बाकी है, तब मजा नहीं आएगा। क्लियर? चलो जल्दी से रिप्लाई करो, अभी जितना चर्चा किए मजा आया समझने में, पूरा विजुलाइज हुआ, आगे बढ़ेंगे हम। समझ में आया अच्छे से रिप्लाई करो। जल्दी हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आएगा ही। चले तब शुरू करें, चलें। तो बउआ रे रे नुनु रे रे सुगबा रे, इस सब का स्टेटमेंट हम डे वन में लिखवा दे दी। ये जो इतना बोले हैं सबका स्टेटमेंट भी लिखवाए थे डे वन में, बस वहाँ पे नाम नहीं दिए थे कि कौन एक्सपेरिमेंट है। देखो सैंडिस का नाम देने से क्या फ़ायदा, सैंडिस के नाम से कोई लेना देना नहीं है, समझना है। सैंडिस के नाम से बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बाप रे बाप, ये ओरेस्टेड है तो ये माइकल है तो ये फराडे है, ये ओकर बेटा है तो ये ओकर पोता है। हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है? कहोगे सर इसका नाम नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा, तो पढ़ो ऐसे कि नाम भी अगर क्वेश्चन में नहीं दे तो पकड़ लो कि ओ ये तो बायर्स वायर्स लो भी है। चले देखिए क्या है बायर्स वायर्स लॉ। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे करंट पास हो रहा है, तो भैया चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पूरे कंडक्टर का लेंथ एल है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेंगे। क्या लेंगे? छोटा सा एलिमेंटल लेंथ, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेंगे। पूरे वायर के लेंथ से लेना देना नहीं है मुझे, ठीक है? छोटा सा एक लेंथ लेंगे, इसको बोलेंगे डी एल, एलिमेंटल करंट लेंथ। ये होगा डी एल वैक्टर एलिमेंटल करंट लेंथ, और इस डी एल से आर पोजिशन वैक्टर पे, मतलब थीटा एंगल पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये डी एल क्या है? ये डी एल जो है बाबू, याद रखना, ये डी एल जो है वो पढ़ा चुके हैं, डी एल है करंट लेंथ। चूंकि डी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एलिमेंट्री करंट लेंथ। डीएल क्या होगा? एलिमेंट्री करंट लेंथ। डीएल हो जाएगा एलिमेंट्री करंट लेंथ, और इसका डायरेक्शन होता करंट के अलोंग, इट इज डायरेक्टेड अलोंग It is directed along
आई, जिधर आई का डायरेक्शन होगा ना उधर ही डीएल का डायरेक्शन होता है, उधर ही डीएल का डायरेक्शन होता है, ठीक है। डीएल का मतलब एलिमेंट्री करंट लेंथ, इट इज डायरेक्टेड अलोंग आई। और आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है पोजीशन, कहां से? डीएल से, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और इसका हेड किधर है? इधर। मतलब आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर फ्रॉम डीएल, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सोच लो कि इस करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो हम पूरे वायर के लेंथ से कोई लेना देना नहीं। मान लो इन्फाइनाइट वायर है, तो हम एक छोटा सा सेक्शन ले लिए डीएल, डीएल को बोलेंगे एलिमेंट्री करंट लेंथ। तो डीएल से आर पोजीशन वेक्टर पे कोई पॉइंट पी लिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और इस पोजीशन वेक्टर का हेड उधर ही होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर का हेड ऐसे ही रहेगा। मालूम है ना वेक्टर का ये क्या होता है? हेड, ये होता है टेल। तो इस पोजीशन वेक्टर का हेड उधर ही होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डीएल क्या है? करंट लेंथ, एलिमेंटल करंट लेंथ। डीएल का डायरेक्शन करंट के अलोंग होता है, और पोजीशन वेक्टर का हेड या पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर? ओके, चल। तो अकॉर्डिंग टू बायट्स वाट्स लॉ, magnitude of magnetic field is produced by elementary current length DL is, सोच मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे होगा पी पॉइंट पे वो डी भी होगा। क्यों? करंट लेंथ एलिमेंटल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पी पॉइंट पे एलिमेंट है, इसलिए डी भी वेक्टर लिखेंगे उसे। तो अकॉर्डिंग टू बायट्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट्री करंट लेंथ डीएल। मतलब बायट्स लॉ के अनुसार पी पॉइंट पे इस एलिमेंटल करंट लेंथ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो चलो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म भी छोड़ दो, इज प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट्री करंट लेंथ डीएल इज प्रोपोर्शनल आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। इस वायर में जितना करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस पी पॉइंट पे उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, एलिमेंट्री करंट लेंथ का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मतलब आई जितना ज्यादा होगा डी भी उतना ज्यादा होगा, डीएल जितना ज्यादा होगा डी भी उतना ज्यादा होगा। तीसरा, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। थीटा क्या है? DL और R के बीच का एंगल, DL और R के बीच का एंगल। तो DL और R के बीच का जो एंगल है, DL और R के बीच का एंगल थीटा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट में प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड तो I के प्रोपोर्शनल होता ही है। I जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, DL का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, और साइन थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बाबू ये लॉ है, लॉ मतलब भगवान जो बोल दिए वही, साइंटिस्ट मतलब भगवान। किसी किसी लॉ का प्रूफ भी है, जैसे केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ जब लॉ दिए तो उसमें प्रूफ नहीं किए, बाद में प्रूफ आया। कोई कोई लॉ जो है इसका कोई प्रूफ नहीं है, लॉ मतलब भगवान जो बोल दे वही है। कि बाबू सूरज पश्चिम में नहीं पूरब में उगेगा,
भगवान बोल दिए, तो बायर्स वर्सला मतलब भगवान, प्रणाम करो, ये भगवान है हमारे, ये फिजिक्स के भगवान है, जय हो बायर्स वर्सला की जय, वो जो बोल दिए वही मानना है। ये अलग बात है कि हम अपने अनुभव से, हम अपने अनुभव से, हम अपने टैलेंट से ये प्रूव कर देंगे कि साइन क्यों होगा। यही चीज हम जब मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे थे तो मैग्नेटिक फोर्स वाले में भी साइन थीटा आया था, तो वहां भी प्रूफ नहीं था, हम अपने टैलेंट और अपने अनुभव से आपको बता रहे थे। जो भी लॉ है ना, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ मतलब भगवान दे दिए, वायर्स वर्स लॉ फिजिक्स के भगवान है, न्यूटन साहब फिजिक्स के बड़का भगवान है, वो जो दे दिए उन पे समझना है, पढ़ना है, वो प्रूफ नहीं देते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, डीएल के प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². डीएल से जितना दूरी पे पॉइंट पी होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। आर पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो आर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। डीएल से कितना डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पे, तो ये दूरी जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा होगा, ये दूरी जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना छोटा होगा। ये चारों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 क्या होगा, डीवी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल के बदले आएगा के, ये क्या है प्रोपोर्शनल, उसके बदले के, तो के को बोलेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के बारे में लिखते हैं, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। And its value depends on medium. And its value depends on medium. And its value depends on nature of medium. Nature of medium. Where current carrying wire is placed. Where current carrying wire या conductor is placed. Where current carrying conductor या wire is placed. चार equation को combined किए proportional के बदले किया आया, where k is constant of proportionality and its value depends on nature of medium. K का value medium के nature पर depend करता है कि ये घटना कहाँ करा रहा है, air में, free space में, पानी के अंदर, यानी के मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, वेयर करेंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड। चलिए सबको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चले आगे, डायग्राम दिख तो रहा है रेचोनर, डायग्राम तो पूरा दिख रहा है, वायर लो, करंट पास हो रहा है, दो जगह ऐसे काट दो जहाँ, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलेंगे करंट लेंथ, एलिमेंटर करंट लेंथ डीएल है ये, यहाँ से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी लिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो डायग्राम को थोड़ा हम और फ्रेश में बना देते हैं, डायग्राम को थोड़ा और फ्रेश में बना देते हैं, करंट कैरिंग वायर है, करंट पास हो रहा है और मुझे एक एलिमेंटर लेंथ चाहिए,
जो dl वेक्टर है और यहां से थीटा एंगल पे कोई पोजीशन वेक्टर है, यानी dl से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। dl होता है एलिमेंटल करंट लेंथ और इसका डायरेक्शन करंट के लंग होता है, और r वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन या हेड मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे चाहिए तो पोजीशन वेक्टर उधर ही होगा, पोजीशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग नहीं, ध्यान से सुनो, पोजीशन वेक्टर उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग चाहिए तो पोजीशन वेक्टर एक्स के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड वाई के लॉन्ग चाहिए तो पोजीशन वेक्टर वाई के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे चाहिए तो पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पे होगा। क्लियर, लिख दिए। अब इस सबको हम रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लिए और फिर से उस डायग्राम को वापस हम लाते हैं, ठीक है, सेव भी हो गया, इधर वाला मिटा दें। चलिए उसके आगे आप लोग डायग्राम मत बनाइएगा, हम समझने के लिए रखे हुए हैं, आप लोग सीधे लिखिएगा यहां से, फोर वैक्यूम, फोर वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस तो एक ही होता है, फोर वैक्यूम और इन एसआई सिस्टम, इन एस आई सिस्टम है ना, चलो हटा ही देते हैं इसको, इसका कोई काम अभी है नहीं। फोर वैक्यूम और इन एस आई सिस्टम के क्या वैल्यू पाया गया, म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई, ओके। वैक्यूम और एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या का वैल्यू क्या पाया गया, म्यू नॉट बाई फोर पाई। ओ यार, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी where mu naught is the magnetic probability for free space, free space मतलब वैक्यूम, और इसलिए इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो mu naught का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर म्यू नॉट बाई फोर पाई होता है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 4π × 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कहोगे सर इसका फॉर्मूला कैसे आया, सोच मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अभी क्या लाए थे, डीबी बराबर के आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यहां से के का यूनिट क्या होगा बोलो, के बराबर क्या हो जाएगा, डीबी आई डीबी आर स्क्वायर बाई आईडीएल साइन थीटा, साइन थीटा तो यूनिट नहीं होगा ना, डायमेंशन होगा, क्योंकि साइन थीटा फंक्शन है, के बराबर k का निकालना है तो r स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। चलो, dB का टेस्ला
मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, याद है ना, टेस्ला, टकला नहीं, टेस्ला, देखो कितना कॉमन है, टकला, टैकला, हे यू आर टैकला, तुम टकला हो, टेस्ला टकला, थोड़ा ही अंतर है, टेस्ला बोलो या टकला बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड का टकला मतलब टेस्ला, डिस्टेंस का या पोजीशन वेक्टर का मीटर, अरे आर है तो डिस्टेंस बोलो, आर वेक्टर रहेगा तो पोजीशन वेक्टर बोलना, ठीक है। करंट का एम्पियर, डीएल करंट लेंथ है तो मीटर में, साइन थीटा का नहीं होगा, एगो से एगो कट गया, बताओ के का यूनिट क्या आया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर आया, हो गया, आया कि नहीं आया। तो के का यूनिट जो होगा वही म्यू नॉट का यूनिट होगा। तो फोर वैक्यूम और इन एसआई सिस्टम के का वैल्यू जो है वो क्या है, म्यू नॉट बाई फोर पाया, इसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई फोर पाया का वैल्यू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। तो सोच म्यू नॉट बाई फोर पाई इतना, तो म्यू नॉट कितना, इसको यहाँ ले आएंगे, फोर पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट आप देख लिए, जो के का यूनिट होगा वही म्यू नॉट का यूनिट होगा, क्लियर, समझ गए म्यू नॉट का वैल्यू। सोच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो भाग बटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो कंपोनेंट में बटा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, या ऐसे बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो कंपोनेंट में बटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट कौन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड जो होता है बाबू, वो होता है सी बराबर 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ाए थे ना लाइट के पहले चैप्टर में, इसलिए तो ऑप्टिक शुरू कर दी उधर से। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी सी को बोल सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो भाग में टूटा, इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में, इसलिए मैग्नेटिक के लिए म्यू नॉट यूज करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सोच दोनों का वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट का वैल्यू कितना, म्यू नॉट का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷, म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हारे सामने है, म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹². ये दोनों का वैल्यू रखो रूट अंडर में, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 3 का वैल्यू एकदम एक्यूरेट 3×10⁸ आएगा, 3 point something आएगा, लेकिन उसको 3 में ही बदल जाएगा। चलो अब इसका भी स्पीड तुम फार्मूला समझ गया कि क्यों स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3×10⁸ होता है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड क्यों होता है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, प्रूफ देख लो। स्पीड ऑफ लाइट सी, इसी को हम लोग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू अभी बता दिए, एप्सिलॉन नॉट का लिख दिए, पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसको रूट अंडर में वैल्यू डालो, सॉल्व करो, यही आएगा आंसर। तो आज आप स्पीड ऑफ लाइट का भी प्रूफ देख लिए, कहोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे ना, उसमें ही फार्मूला प्रूफ हो जाएगा।
ये फॉर्मूले का दो जगह यूज है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ाएंगे, छोटा चैप्टर है, और एक मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। क्लियर? तो बाबू इधर वाला पूरा एक्स्ट्रा है, इधर वाला एक्स्ट्रा है, इधर वाला मेन है। जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ले लिए स्क्रीन शॉट, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट अब आगे देखो, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? डीबी बराबर क्या था? के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब के की जगह वैल्यू क्या रख देंगे? म्यू नॉट बाई फोर पाई। तो फाइनली डीबी के जगह क्या लिख सकते हैं? डीबी के जगह लिख सकते हैं के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, के जगह म्यू नॉट बाई फोर पाई, म्यू नॉट बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई फोर पाई। अरे 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 अरे, कहाँ भाग गया तू मुझे छोड़ के? गुस्सा हो हमसे? म्यू नॉट बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म ऑफ बायट से वाट्स लॉ। स्केलर फॉर्म ऑफ बायट से वाट्स लॉ बाबू, तो इस फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कहोगे सर ये तो डीबी है ना, ये तो डीबी है ना, आप तो पूरे वायर के द्वारा तो नहीं निकाले हो। सर आप बोले कि करंट कैरिंग कंडक्टर आई पास और आप छोटा सा एलिमेंट लिए, तो ये डीबी के द्वारा ना सर, यहाँ ये तो डीएल है सर, ये जो फॉर्मूला है वो तो एलिमेंटल करंट लेंथ के द्वारा है। ठीक है, तो एलिमेंटल करंट लेंथ से आप आर डिस्टेंस पे गए, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। ठीक है, अब सोच अगर इतना के द्वारा निकाल दिए तो पूरे बॉडी के द्वारा निकाल देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? वायर का जितना लंबा लेंथ होगा, वायर का जितना लंबा लेंथ होगा वहाँ से वहाँ इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो वायर का लंबाई है 10 मीटर तो 0 से 10, वायर का लंबाई है 0 से 50 मीटर तो 0 से 50। क्लियर? इतना के द्वारा निकाल लिए तो इंटीग्रेशन के हेल्प से पूरे बॉडी का निकाल लेंगे। ओके, चल ये हो गया स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? सोच वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? डीबी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल आर साइन थीटा बाई आर थ्री। हम ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत? इस आर को इससे काटेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। ये स्केलर फॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, ताकि वेक्टर फॉर्म में आ जाइए। तो डीबी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई, देखो क्या होगा, साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डी एल क्रॉस आर, क्रॉस माने साइन थीटा, साइन को रिप्लेस कर दो क्रॉस से, नीचे आर थ्री, यही वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और यही वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, तो यहां भी वेक्टर दे दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप,
ऐसे भी लिख सकते हो या इसके नीचे, और जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर वेक्टर का मॉड क्यूब। वही ना हो गया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का, तो पोजीशन वेक्टर का मॉड क्यूब, अरे आर वेक्टर का मॉड क्यूब। आर वेक्टर क्या होता है, आर, तो आर वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मॉड आर, आर वेक्टर का मॉड क्यूब आर थ्री। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, जो ये है वही ये है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायर्स वाट्सलॉ, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायर्स वाट्सलॉ। ठीक है, अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हम यहां से निकाल लेंगे, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म है या ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इससे मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, डायरेक्शन भी निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इट इज इंप्लाइज दैट डीएल क्रॉस आर, जिधर डीएल क्रॉस आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो ध्यान से, डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल वेक्टर डायरेक्शन और आर वेक्टर के डायरेक्शन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और यही चीज तो ओरेस्टेड नहीं बता पाए थे, ओरेस्टेड यही नहीं बता पाए थे, बायर्सवर्ड से ही बताए, वो मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखा दिए और डायरेक्शन भी निकालना सिखा दिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर करेंगे, डीएल मतलब एलिमेंटर करंट लेंथ या एलिमेंट्री करंट लेंथ, डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, डीएल का डायरेक्शन होता है करंट के लॉन्ग, डीएल का डायरेक्शन करंट के लॉन्ग, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन करंट के लॉन्ग, और आर वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, आर वेक्टर का डायरेक्शन उधर लेंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और डीएल मतलब जिधर करंट फ्लो हो रहा है। तो जिधर डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्लियर। और ये चीज हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाला, हम पहले ही बता दिए। सोच अगर ये होगा एक्स के लॉन्ग, ये होगा वाई के लॉन्ग, ये एक्स के लॉन्ग और ये वाई के लॉन्ग, तो इसके जगह क्या रखेंगे, आई कैप, इसके जगह जे कैप। अगर मान लो करंट एक्स के लॉन्ग फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई के लॉन्ग, तो एक्स के जगह रखेंगे आई कैप, वाई के जगह रखेंगे जे कैप, तो आई क्रॉस जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, के कैप के लॉन्ग। मान लो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना है तो क्या करेंगे, डीएल के जगह वेक्टर वाला रखेंगे, एक्स के लॉन्ग है तो आई कैप, वाई के लॉन्ग है तो जे कैप, जेड के लॉन्ग है तो के कैप, और पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग निकालना है तो आई कैप, वाई के लॉन्ग है तो जे कैप, जैसे सिंपल समझाते हैं। मान लो डीएल एक्स के लॉन्ग है, मतलब करंट एक्स के लॉन्ग फ्लो हो रहा था आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वाई के लॉन्ग, तो यहाँ पे जे कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, सिंपल। कभी कभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड है जेड के लॉन्ग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, के कैप, ओके, और पोजिशन वेक्टर एक्स के लॉन्ग, तो के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है, जे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जे के लॉन्ग मतलब वाई के लॉन्ग। और ये नहीं करोगे तो राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, बताते हैं राइट हैंड रूल से कैसे निकालोगे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, हम राइट हैंड रूल से आपको बताते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल से कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जल्दी। राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट।
सोच डायग्राम ये लिए थे ना हम लोग, डायग्राम ये लिए थे ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा था और एक एलिमेंटर करंट लिए डीएल, ठीक है, और इसे आर पोजीशन वेक्टर पे कोई पॉइंट पी लिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो डीएल क्रॉस आर देखो कैसे निकालेंगे। डीएल तो अपना दाएं हाथ लो और चारों उंगली को डीएल के लॉन्ग रखो, डीएल ये चारों उंगली को कहां रखोगे, डीएल के लॉन्ग, डीएल और मोरो आर के लॉन्ग, अंगूठा कहां गया अंदर, हे हुचुक हुचुक, चारों उंगली को किधर रखोगे, डीएल के लॉन्ग और आर के लॉन्ग मोरोगे, अंगूठा डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, अंदर माने क्रॉस, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, देखो चारों उंगली किधर रखोगे, डीएल के लॉन्ग, क्लियर, चारों उंगली कहां रखोगे, डीएल के लॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डीएल से आर क्रॉस, डीएल चार उंगली किधर रखोगे, डीएल के लॉन्ग, डीएल क्रॉस आर, अंगूठा अंदर जाएगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, खच 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 खच, अंगूठा कहां जाएगा, अंदर, सबसे इजी, डीएल पे क्या रखोगे, चार उंगली और आर की तरफ घुमाओगे, अंगूठा जिधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें बता के भेजो आंसर किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं बताना। पहला मान लो करंट का फ्लो इधर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, यहां पे कोई पॉइंट पी है, तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो जिधर आई होगा उधर डीएल लेना, जिधर आई उधर डीएल, जिधर आई उधर डीएल, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर आर लेना, तो यहां हो जाएगा डीएल, डीएल पे याद रखो क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे चाहिए, तो पॉइंट पी किधर है, वाई के लॉन्ग, और करंट किधर है, एक्स के लॉन्ग, तो जिधर करंट होगा उधर डीएल होगा, जिधर पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे आर होगा, तो हमें करना है डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल डीएल क्रॉस आर बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन बाहर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट इधर फ्लो हो रहा है, क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर, तो किधर रखना है डीएल, करंट के लॉन्ग, तो अपने चार उंगली को करंट के लॉन्ग रखोगे, डीएल देखो ध्यान से मोरो, अंगूठा कहां जाएगा अंदर, मोरो हुचुक 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 हुचुक, ये आई मतलब डीएल का डायरेक्शन है, पॉइंट पी मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आर का डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, बताओ तीसरा एग्जांपल, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चाहिए, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी भेजो तो आंसर, जल्दी भेजो, हाँ अफजल नौसाद कोई मतलब नहीं है, राइट हैंड रूल, देखो शुरू से लेक्चर देखो, जब हम आपको F बराबर क्यू वी क्रॉस बी बताए थे, जब भी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, और उसका वेक्टर फॉर्म होता है F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम तीन तीन नियम बताए थे, पहला क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा राइट हैंड रूल, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किए थे, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए थे,
वहां पे फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए पहला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरा राइट हैंड पाम रूल। वहां पे तीसरा था राइट हैंड पाम रूल, है ना, जिसका फोर्स का फॉर्मूला होता था एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट लगाते थे, क्रॉस प्रोडक्ट या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड रूल अलग होता है, राइट हैंड रूल अलग होता है, राइट हैंड पाम रूल अलग होता है। पीछे वाला लेक्चर जाके देखो, जब हम लेक्चर वन पढ़ाए थे शुरुआत में तो राइट हैंड रूल बताए थे, और जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखे थे तो राइट हैंड पाम रूल बताए थे। बताओ। हाँ, अफजल नौसाद सही है, नमिश कुमार भी सही है, और सब तेल बचने आए हैं लाइव क्लास में कि जवाब दीजिएगा। क्या बोले थे, चार उंगली को किधर रखोगे, डीएल के लॉन्ग रखो, डीएल के लॉन्ग देखो, रखा डीएल के लॉन्ग, मोरो, हे हे, आ कितना अच्छा लग रहा मोड़ने में, लग रहा कुछ छू रहे हैं। देखो ये चार उंगली को किधर रखोगे, करंट के लॉन्ग रखो, करंट के लॉन्ग, और इधर निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा डीएल, ये डीएल, डीएल डीएल आर आर, डीएल डीएल आर आर, डीएल डीएल आर आर, गाना भी बना देंगे, हे डीएल डीएल आर आर, डीएल क्रॉस आर, ए डीएल डीएल आर आर, डीएल क्रॉस आर, देगा देगा मैग्नेटिक फील्ड। सोचे यहां पे हम एक म्यूजिक भी दे सकते हैं, डीएल देखो, डीएल मोरो कहो ऐसे में से, डीएल आर ऐसे ही ना, ये डीएल है, डीएल चार उंगली के लॉन्ग रखो डीएल को, यानी जिधर डीएल है, जिधर करंट है उधर ही डीएल है, उधर ही चार उंगली, इधर निकालना है, मोरो अंगूठा अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। ये अभ्यास करोगे तब हाथ घूमेगा। चलो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सॉरी करंट अंदर है, करंट अंदर है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चाहिए, बताओ करंट अंदर, करंट अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे चाहिए, तो बोले थे ना जिधर करंट उधर डीएल, और जिधर पॉइंट पी है उधर आर, तो डीएल क्रॉस आर, बोलो जल्दी। अरे जल्दी भेजो। महका दिया तुम लोग। देखो कैसे करेंगे, देखो करंट किधर है, अंदर, तो डीएल अंदर, तो चारों उंगली को किधर, डीएल के लॉन्ग रखे, डीएल बोलना, और ये है आर, डीएल अंदर है, डीएल का अंदर, और आर इधर है, डीएल क्रॉस आर, देखो ध्यान से, ऐसे रखो, सॉरी सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, डीएल ये किसको शो कर रहा है, डीएल को, आर को मोड़ो, ये आर है, देखो ये चार उंगली किधर है, डीएल के लॉन्ग, डीएल क्रॉस आर, देखो अंगूठा कहां जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे होगा। डीएल क्रॉस आर, अरे मिठाई को चाप ना, चाप दे मिठाई को, चाप चाप, डीएल क्रॉस आर, ये डीएल, डीएल क्रॉस आर, ये डीएल, ये आर, डीएल क्रॉस आर,
डीएल कुरसार, देखो अंगूठा कहां जाएगा, डीएल कुरसार। चापा चापा है मिठाई। आया जी, नेक्स्ट एग्जांपल आया समझ में, अब बना के दिखाओ। मैग्नेटिक फील्ड है करंट है बाहर, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ओके, ये करंट है, एक मिनट रुको, यहां पे कुछ गड़बड़ी हो गया, क्वेश्चन उल्टा हम दे दिए, सही करो। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। चौथा क्वेश्चन में मान लो करंट ऐसे आ रहा है, ये सही है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन जो अभी दिए थे वो थोड़ा बाद में देते हैं। बताओ ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट है, ये करंट है, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे चाहिए। अच्छा लो, जो पहले दिए थे वो आप देते हैं। दोनों में बताओ डायरेक्शन। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको 5 नंबर में दे दिए, जो बाद में आने वाला था उसको 4 नंबर में, आप दोनों का बताओ। यहां पे डॉट है, डॉट का मतलब करंट बाहर, क्रॉस मतलब करंट अंदर। यहां पे ये क्रॉस करंट को बता रहा है, ये डॉट करंट को बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, बताओ। दोनों का बताओ, फिर और देंगे। आया, देखो सिखा रहे हैं, अच्छे से सीखो। क्रॉस है और मैग्नेटिक फील्ड इधर चाहिए, तो डीएल किधर होगा, अंदर। देखो ये अंदर, अंदर लोगे, लेकिन अब सोच अगर ये चारों उंगली ऐसे अंदर लोगे तो मुड़ने में बनेगा ही नहीं। चारों उंगली ऐसे लोगे कि आर की तरफ तुम मोड़ सको, ये ध्यान रखना। आई अंदर है मतलब डीएल अंदर है और आर एक्स के लॉन्ग है, तो ध्यान सुनो, ये चारों उंगली ऐसे रखना है कि तुम आर की तरफ मोड़ सको, मोड़ सको। देखो अंदर हम कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से, यहां अंदर हम ऐसे लिए मोड़े, तो अच्छे से कहां मुड़ाया, हमको ऐसा लेना है कि मोड़ सके। तो देखो कैसे करेंगे, अंदर लिए, चार उंगली किधर है, चार उंगली किधर है, अंदर की ओर, और आर किधर, एक्स के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग मोड़ो, अंगूठा कहाँ है, नीचे। अब परफेक्ट हुआ, आपको बताने के लिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हम लोग को कितना देर लगता है, सेकेंडों में हजारों क्वेश्चन का डायरेक्शन निकाल देंगे। देखो किधर रखोगे, ये चारों उंगली डीएल के लॉन्ग या करंट के लॉन्ग, और मोड़ना किधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मतलब आर के लॉन्ग। तो यहां पे डीएल अंदर है और आर एक्स के लॉन्ग है, तो देखो कैसे रखना है, अंदर ऐसे मोड़ो, देखो मेरा कैसे मोड़ रहा है, एक्स के लॉन्ग मोड़ना है, हे अंगूठा कहां जा रहा, नीचे, हे अंगूठा कहां गया, नीचे, हे अंगूठा कहां गया, नीचे। चार उंगली है अंदर की ओर, चार उंगली है अंदर, और किधर मोड़े, पॉइंट पी की तरफ, देखो मुड़ा पॉइंट पी की तरफ, दिखना चाहिए हम डीएल से आर जा रहे हैं, डीएल से आर, डीएल से आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल
तो चारों उंगली को डीएल के लॉन्ग और मोड़ना है आर के लॉन्ग। देखो आर किधर, एक्स के लॉन्ग, तो हमारा एक्स के लॉन्ग हाथ जाना चाहिए क्या। डीएल मतलब चार उंगली, डीएल अंदर तो चार उंगली अंदर, क्रॉस आर, तो आर के लॉन्ग मोड़ो, अंगूठा कहां गया नीचे, तो यहां पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे की ओर। आया समझ में, चार उंगली डीएल के लॉन्ग और इस प्रकार रखेंगे कि आर की तरफ हम मोड़ सके। अगर हम चार उंगली को यहां पे ऐसे रख देंगे तब नहीं बनेगा मोड़ने में। देखो ऐसे भी तो अंदर रख सकते हैं, रख तो लिए लेकिन मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो मोड़ लेंगे क्योंकि डीएल और आर उधर ही होना चाहिए। चारों उंगली डीएल के लॉन्ग, चारों उंगली डीएल के लॉन्ग और आर वेक्टर के लॉन्ग मुड़ना चाहिए। देखो अच्छे से मुड़ा, अंगूठा आया नीचे, हुचुक हुचुक हुचुक। अब पांचवा को बताओ, एकदम बनिया से क्लियर हुआ डायरेक्शन निकालना डीएल क्रॉस आर का, ईमानदारी से रिप्लाई करो। आज जो रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा वो भी रिप्लाई करो यार चैट में कि सर हाँ ये लेक्चर समझ में आ गया, सर लेक्चर 6 में जो आप डायरेक्शन बता रहे थे हमको अच्छे से समझ में आया, तो अच्छा लगता है ना रिप्लाई करते हो तो। जल्दी समझा, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालेंगे। देखो क्रॉस से निकालोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल हो जाएगा माइनस के, यहां पर डीएल हो जाएगा माइनस के क्योंकि करंट अंदर है, डीएल भी अंदर, अंदर मतलब माइनस के और आर एक्स के लॉन्ग है, तो माइनस के क्रॉस आई माइनस जे भी होगा, तो जिससे तुमको आसानी हो। हम एक नया मेथड से सिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। डीएल क्रॉस आर को क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। क्लियर। पांचवें का बताओ, पांचवें का बताओ, देखो क्या करेंगे। अब सोच यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट फेल हो जाएगा ना, चौथा नंबर में तुम राइट हैंड रूल से भी नियम ला सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से भी ला सकते हो, चौथा एग्जाम्पल में तुम राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन पांचवा में तुम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हो। पांचवा में राइट हैंड रूल लगाओगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि तुमको करंट तो मालूम है कि जेड के लॉन्ग है, करंट तो मालूम है कि बाहर की ओर है या डीएल बाहर की ओर है, लेकिन आर का डायरेक्शन क्या होगा नहीं मालूम है, नहीं एक्स है ना वाई है, तो राइट हैंड रूल देखो कैसे करेंगे। करंट बाहर है तो ऐसे लेंगे, करंट कहां है डॉट, बाहर की ओर, करंट बाहर मतलब डीएल बाहर और चारों उंगली को डीएल के लॉन्ग लोगे या करंट के लॉन्ग, करंट के लॉन्ग मतलब डीएल के लॉन्ग, डीएल के लॉन्ग मतलब करंट के लॉन्ग, और इस प्रकार लोगे कि तुम मोड़ सको अपने चारों उंगली को इस डायरेक्शन में रखो कि वो डीएल का डायरेक्शन हो, चारों उंगली को इस डायरेक्शन में रखो कि वो डीएल के लॉन्ग हो और ऐसे रखो कि तुम आर वेक्टर की तरफ मोड़ सको। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, चप 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 ऐसे लग रहा है फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। आया समझ में, मोरो मोरो, हाँ कितना अच्छा लग रहा मिठाई चपने में, स्पॉन्ज है। देखो मेरा चार उंगली किधर है, करंट के लॉन्ग, डीएल के लॉन्ग और आर इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है, करंट बाहर की ओर, डीएल बाहर की ओर और आर वेक्टर इधर है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। देखो क्लियर, चलो सबको नोट करो, एक एग्जांपल और दे देंगे बना लेना। आया समझ में पांच नंबर, चलो एक बना के और दिखाओ, सबको हम रंग देते हैं यार, ये चार नंबर है, पांच नंबर है, ठीक है चलो छह नंबर हम इधर देते हैं,
करंट का फ्लो है एक्स के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चाहिए पी पॉइंट पे। बताओ छठे का, बताओ छठे का, बताओ कहने का मतलब हो गया। अब देखो अफजल नौशाद का क्वेश्चन है कि सर तो फिर हर एक क्वेश्चन में क्रॉस नहीं, हर एक क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हैं। लगाओगे तो लगा सकते हो लेकिन तुमको दो दो बार करना पड़ेगा। सोच अब जैसे मान लो पांचवा नंबर क्वेश्चन में आर वेक्टर थीटा एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के, सॉरी करेंट जेड के लॉन्ग है, पांचवा क्वेश्चन में करेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब बाहर है, मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मतलब करेंट जेड के लॉन्ग है, मतलब डीएल जेड के लॉन्ग है, और आर सोच लो ना थीटा एंगल पे है, तो आर वेक्टर का दो दो डायरेक्शन है, क्योंकि ये तो आर वेक्टर किसी एंगल पे है, इसका एक्स में भी डायरेक्शन होगा, वाई में भी होगा। तो अगर पांचवा में तुम क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो लंबा पड़ जाएगा, तुमको दो दो बार निकाल के निकालना होगा। तो भैया समय बचाना है तो राइट हैंड रूल निकाल दो ना, नहीं मजा आ रहा है मिठाई चपने में, तुमको मिठाई चपने का मन नहीं है, क्लियर? इसलिए जहां पे जो सुविधा हो, जैसे चार नंबर में राइट हैंड रूल निकाल लो उससे भी आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, लेकिन पांच नंबर में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड रूल से निकालो ताकि आसानी से हो जाए, ठीक है? इसका बताओ। अब छह नंबर में तुम राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल मिठाई चापो, सिंपल। राइट हैंड रूल क्या होगा, डीएल क्रॉस आर, करंट किधर है एक्स के लॉन्ग, करंट किधर है एक्स के लॉन्ग, तो डीएल एक्स के लॉन्ग, देखो हो गया। और मुड़ना है, देखो गलत मुड़ गया ना, अब ध्यान सुनो। राइट हैंड रूल निकालने का पहला तरीका, जिधर करंट है तो हम जानते हैं करंट के लॉन्ग ही डीएल वेक्टर होगा, तो जिधर डीएल होगा उधर चारों उंगली निकालो, डीएल के लॉन्ग चारों उंगली, और चारों उंगली इस प्रकार निकालो कि आर के तरफ आसानी से मुड़ सके, आर के तरफ आसानी से मुझे मुड़ सके। तो देखो चप 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 चाप चापा हे राजा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, अंदर क्यों होगा? देखो चार उंगली है आई के लॉन्ग, चार उंगली आई के लॉन्ग मतलब डीएल के लॉन्ग, आई के लॉन्ग मतलब डीएल के लॉन्ग, तो चारों उंगली आई के लॉन्ग मतलब डीएल के लॉन्ग। छठा नंबर एग्जांपल में आई मतलब डीएल, डीएल मतलब चारों उंगली, और चारों उंगली को ऐसे रख सके कि हम आर की तरफ मोड़ सके। देखो आहा डीएल करंट के लॉन्ग डीएल, डीएल के लॉन्ग करंट, तो जिधर डीएल उधर चार उंगली रख, रखे चार उंगली, और मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना नीचे चापो मोरो, डीएल क्रॉस आर, 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 डीएल क्रॉस आर। सोच अंगूठा कहां गया, अंदर 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 माने क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर होगा। आया समझ में? किधर डीएल के लॉन्ग, और चारों उंगली को डीएल के लॉन्ग रखो, और ऐसे रखो कि तुम जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर मोड़ सको। तो सोच करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे निकालना है, देखो डीएल नीचे मतलब नीचे की ओर मोड़ना है, डीएल क्रॉस आर, ये डीएल, और देखो ये मार्कर जो है वो आर को बताता है, ये पॉइंट पी को बताता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, डीएल आहा डीएल। तो देखो अंगूठा अपने आप अंदर चला जाएगा, डीएल क्रॉस आर अंदर माने अंदर, क्लियर? अरे क्लियर, अरे क्लियर। अब तुम सब एग्जांपल में क्या करना, करंट का डायरेक्शन बदल देना, हम इसमें ऐसे भेज रहे हैं तुम ऐसे कर देना, इसमें नीचे आ रहा है ऊपर कर देना, इसमें अंदर है तो बाहर कर देना, यहां बाहर है तो अंदर कर देना, यहां
पॉजिटिव एक्स के लोगे तो निगेटिव एक्स के लोग कर देना, सब जगह डायरेक्शन तुम बदल लेना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ईमानदारी से रिप्लाई करो, जब भी बायर्ड स्वार्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो आप क्या यूज करोगे? राइट हैंड रूल यूज करोगे? कैसे करोगे? डीएल, डीएल क्या होता है? करंट के लॉ। उधर चार उंगली रखोगे, चार उंगली इस प्रकार रखोगे कि तुम आर वेक्टर के तरफ या जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर मोड़ सको, तो अंगूठा आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। आया समझ में? सब लोग अच्छे से रिप्लाई करके बताओ, जो लोग अभी लाइव हैं। बना लोगे ना? नमीश कुमार बोलो, सब लोग आ जाएगा डायरेक्शन। कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम फंसोगे ना, ना जल्दी। ना ना फंसोगे। चलो तो सब लोग, अगर जिनको, जो लोग शुरू से भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर को आप लोग एक बार रिकॉर्डेड भी देखिएगा। जो लोग लाइव हैं वो रिकॉर्डेड देख लेने के बाद और, ताकि रिवीजन हो जाए, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं वो रिपीट कर लीजिएगा ताकि डायरेक्शन निकालने प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं कल हम लोग नए एनर्जी और नए उत्साह से। बाय बाय, गुड नाइट।